नाज़रीन पटवा डॉट कॉम की तरफों अस्सलाम वालेकुम। असं इस वक्त मिर्ज़ा कंबीली यूनियन कौंसल सूची में मौजूद हैं जी। वाइस चेयरमैन राजा इबरार जेड़े यूनियन कौंसल सूई चीमिया ने वाइस चेयरमैन मौजूदा जी इस वक्त इन्होंने एक बहुत बड़ा करनामा कि इतों काफ़ी सारे बच्चे जेड़े स्कूल ने गवर्नमेंट हाई स्कूल मिर्ज़ा कमीली ने गुजरने से बच्चियाँ गुजरिया सी बड़ी तकलीफ सी काफ़ी अरसे तू रस्ता नहीं सी इन अपनिया जमीनों विचों एक किलोमीटर रस्ता उचाई दिता जी। सब तो ज़्यादा जमीन इसने विच वाइस चेयरमैन राजा इबरार राणी आई है जी और इन्हें ये जमीन दई तो अपनी आखरत जी है सुमारी कहती है जी। इसने विच बंग्यार बरादरी खंबाल बरादरी और बासी बरादरी ने भी काफ़ी तावन है जी और इसने तुसांगे नाल नाल दसी उड़ी है कि इबरार साहब इसकी हिक दोहां दिनों विच पक्का करने ना भी टेंडर हो ही चुका है तो वह भी ये कराई छोड़ सन जी। क्या ना तुसा ना राजा दानिश महमूद जी दानिश साहब क्या आखने हो बे जेड़ा तुसा ना 1 किलोमीटर ने रास्ता बनया है काफी अरसे तू तुसा ही प्रॉब्लम जी असी बड़ी प्रॉब्लम सी थू गुजारी बीमारी रहता भी बड़ी प्रॉब्लम होनी सी ए वाइस चेयरमैन जेड़े साडे राजा इबरार रहे उन्होंने बड़ी काफशाइयां उन्होंने अपने रकबे जो 1 किलोमीटर रास्ता दिता दरबार ना रोड ना साहब दरबार मियां जी साहब रोड ना रखा गया इस रोड ना एलियान इलाका इसने बड़े शुक्रगुजार इन्होंने इस कम वास्ते सारे इलाके ने लोग इन्होंने थैंक यू वेरी मच करने इस कम वास्ते। क्या नाम तुसा ना गुफार अब्बासी साहब क्या आखने इस राह ने बारे सर जी सब तो पहले तो पटवारी डॉट कॉम ने बहुत शुक्रिया अदा करने जरा हर वेला साढ़े कदम तो कदम चलने जी तो और दूजा जरा राह सड़ा अगे भी बनता सा बंद हो गया सर उस बाद जरा सा वाइस चेयरमैन राजा इबरार साहब ने बड़ी काविश की और अपनी जमीन देई देई किलोमीटर ना जरा आवाम वास्ते इन्हें राह मुहैया किया अस बहुत शुक्र गुजार हैं जी पूरी यूनियन कौंसल चीमिया ने साढ़े पूरे आवाम ने जो मौजा मिर्जा कमीली है तो बड़े मथाज रहे हैं ते चेयरमैन साहब की आख्या भाई सारा राह चेयरमैन साहब आख्या मैं देना अपनी जमीन कट्टिया ने ते आज रस्ता पा सैयद मकसूम हुसैन शाह तल सईद शाह जी क्या आखने राहने वाले सरकार राजा चेयरमैन राजा इबरार साहब बड़ी नेकी की इलाके वास्ते एक त्रे चार साल तो इन्होंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सी इन्हें प्रॉब्लम सॉल्व की इन्होंने हर खुशी गमी स्पैशली गवर्नमेंट हाई स्कूल बॉयज़ हाई स्कूल मिर्ज़ा कमीली वास्ते और पूरे मौजे वास्ते रस्ता जरा बड़ा करामन साबित हो सी इन्हें बहुत बड़ी मतलब इन्हें क्या अजीम अल्लाह पाक दे और इन्हें वालदे ने कि अल्लाह पाक बख्शे इन्हें बहुत बड़ा नेकी ने काम किया। वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसल सूई चीमिया जी राजा इबरार साहब इन्हें अपने जी जमीन सी इसने विच 1 किलोमीटर ना रस्ता देते मेरे ख्याल इस जमाने विच एक इंच कह सूत्र भी अगर कुसे नी जगह चली गई है तो थाने कचहरियाँ जड़ियाँ 40-40 साल तक मुकदमे चले इन्हें खिदमत खलक ने आला मिसाल कायम की कि इन्हें लोगों वास्ते खास करी जड़े मिर्ज़ा कमीली ने और अपर जड़ा एक स्कूल है इतने बच्चों वास्ते भी काफ़ी दफा असा भी आए हैं बड़ी प्रॉब्लम सी पैदल गुजरना भी माल सी इन्हें रोड देई दे मेरे ख्याल आना कि वोट जी लैनी या देनी है तो एक सिलसिला चलना रहना लेकिन जोड़ा आखरत ने इन्हें खजाना इकट्ठा किया जी उसना कोई शुमार नहीं किया जा राज साहब क्या आखसो तुसा इस हवाले नाल जी रोड ही है कि तुसा ये चाही दी है और रोड जी खास करी तुसा हुण सूई चीमिया वो केड़ी जगह है मिर्ज़ा कमीली केड़ी जगह है तुसा खास करी तो वोटां वालियां ना ख्याल नहीं किया कि किस दिती किस नहीं दिती तुसा ये रोड चाही दिती है तो नैक्सट इन कम्मा ने हवाले नाल ये रोड पक्की किस तरह हो सी इस हवाले नाल असीं थोड़ा जिहा दसी हो सी। सब तो पहले शुक्रिया अदा करना जी पठवार डॉट कॉम ना जिन्हें असीं टच किया इस मसले जो तो रस्ते ना मसला कुछ इस रहा जी कि पहले ट्रैक बनाया गया सा तो वह बंद हो सारे जड़े ना सारे अपने हर बंदे ना रस्ता है रस्ता मियाँ आई साहब दरबार वास्ते इस्तेमाल होना टोटल खाली असं मिर्ज़ा कमीली वाले ना इस्तेमाल करने से इस सारा जरा ये अगला पिछला सारा एरिया इधरों मंदरे तक इधरों सारा मुख्तलिफ किस्म ने कुछ 20 ग्राम पैने इसने पर ठीक है तो जरा तुम पक्का करने सवाल किया कि राजा जावेद खिलाफ साहब रही स कि 1.5 करोड़ पीने ग्रांट दिती सी इस रस्ते वास्ते ठीक है कच्चा तो चलना रहा तो जिसल असं ग्रांट मिली तो उसल दुनिया को कुछ बंद ना शरारत करी इसकी बंद करी छोड़िया तो हूँ असं इस आवाम वास्ते जरा सारा रस्ता किया तो इसने पर 1.5 करोड़ की ग्रांट मिली भी जरा असं इतों जिथे जी पहुंची असं उचला सा तो मजीद उन्होंने वास्ते अस उन्होंने रिक्वेस्ट कर सें अपने MPA साहब अगर रिक्वेस्ट कर सी आवाम का ख्याल कर सन
ਅਸਾਂ ਕੀ ਰਸਤਾ ਤੋੜ ਚਾੜੀ ਦੇ ਸਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਰਸਤਾ ਬਣੇਗਾ ਅਸਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕਣਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਨਰਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬਾਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਫਰ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਦਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਨੇ ਤੂੰ ਬੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਔਰ ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁਸਤਫੀਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਬੜੀ ਬਾਤ ਅਸਾਂ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਬਹੁਤ ਇਹ ਲੋਕ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਣੇ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ 20 ਵਾਰੀ ਲੰਘਣਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਜੀ ਰੋਕਣ ਨਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਕਿੰਨੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੈਸੋ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਅਸਾਂ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਲਾਈ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜੀ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਖ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹ ਆਉਣੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਖਾਲੀ ਮਾੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਥਈਆਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਥਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤਾਂ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ